हरिओम अभिवादे हम सतीशः स्वागतम अस्ति तत्र भवतां सर्वेषां अस्मिन् संस्कृत विषय अध्ययन माध्यमे। स्वागत है मित्रों आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आइए शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के अंतर्गत हम आज 51वां 52वां और 53वां इन तीनों श्लोकों को पढ़ते हैं जो पीजीटी और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग पूरा लगाया गया है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का अध्ययन। 51वां श्लोक है उसे देखते हैं। पुरीमवस्कंदलुनी नंदनम पुरीमवस्कंदलुनी नंदनम मुषाणरत्नानि हरामरंगना मुषाणरत्नानि हरामरंगना विग्रहीय चक्रे नमुचिद्विषावली यइत्थमस्वास्थ्यमहरदिवं दिवः। तो मित्रों आप सभी जानते हैं प्रथम सर्ग में जो प्रसंग चल रहा है वो देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए उनके पूर्व जन्मों का वर्णन करते हैं। आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, तो आरंभ से ही वो उनके अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने सतयुग में हुए हिरण्यकश्यपु के अवतार का वर्णन किया और उसके बाद रावण के अवतार का वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद वह शीघ्र ही उनके साक्षात प्रयोजन पर जाकर के उनका वर्णन करेंगे। तो इसमें रावण के महापराक्रम को प्रदर्शित क्रिया है कि उस रावण ने किस प्रकार से अपने आतंक को स्वर्ग तक भी फैला दिया था। तो उसने क्या क्या किया था, इंद्र को किस प्रकार से हराया था विशेषतः, ऐसा इस श्लोक में बताया है। कहते हैं इसमें अनेकों क्रियाओं को अलग अलग तरीके से बताया है। जो मुख्य जो इसका क्रियापद है वो है चक्रे, विग्रहीय चक्रे, तृतीय पाद में आपको दिखाई दे रहा हो चक्रे, यह लिट लगार का है, अर्थात उसने किया क्या किया, उसने अस्वास्थ्यम यानी कि स्वास्थ्य से रहित, अर्थात उसने वहां पर अशांति को फैला दिया। कहां पर, दिवह यानी कि स्वर्ग लोकस्य। तो दिवह अस्वास्थ्यम चक्रे, स्वर्ग लोक की अस्वास्थता को जिसने प्रकट कर दिया। कब कर दिया, अहर दिवम यानी कि प्रतिदिन या दिन रात। तो जिसने प्रतिदिन स्वर्ग लोक के अस्वास्थ्य को उत्पन्न कर दिया। अब उसने क्या क्या करके स्वर्ग लोक को परेशान कर दिया, स्वर्ग लोक के निवासियों को, इंद्र को किस प्रकार उसने आतंकित कर दिया, उनको किस प्रकार से परेशान किया वो बताते हैं। पहले पाद से हम देखते हैं, कह रहे हैं कि पुरीम अवस्कंद, पुरीम यानी कि जो पुरी है स्वर्ग, जहाँ पर इंद्र निवास करते हैं और समस्त अन्य देवता भी निवास करते हैं, उसको पुरी कहते हैं। तो ताम पुरीम अवस्कंद, उस पुरी को, उस स्वर्ग पुरी को घेर करके, ठीक है, पुरीम अवस्कंद यानी कि स्वर्ग को घेर कर, और लुनी ही नंदनम लुनी ही, जो नंदन नाम का उपवन इंद्र का माना जाता है प्रसिद्ध, उसको लुनी ही, उस उपवन को काट डाला, उसको नष्ट करके। और फिर बोले रत्नानी मुषाण रत्नानी यानी कि जितने भी वहां के रत्न थे, अमूल्य रत्न थे, उन रत्नों को चुरा करके और हरा अमरांगना हरा अमराणाम देवतानाम या अंगना सा अमरांगना, तो सा अमरांगना एन हृता, और मतलब देवताओं की पत्नियों को, स्त्रियों को जिसने हरण कर लिया, हरा। और फिर विग्रहीय चक्रे नमुचित द्विषा बलि,
और नमुचित दिशा, नमुचित द्विष कहते हैं इंद्र को, ये नमुचित द्विष, नमुचित द्विष जो शब्द यह विशेषण है यह इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। नमुचित द्विष शब्द का ही यह तृतीय एक वचनांत है। तो नमुचित द्विषा विग्रह्य अर्थात इंद्रेण सह विग्रहं कृत्वा, अर्थात इंद्र के साथ विग्रह करके, विद्रोह करके, उसके साथ झगड़ा करते यह बलि, जिस बलि ने, जिस बलवान रावण ने इत्थम इस प्रकार से अहर दिवम दिन रात दिवह अस्वास्थ्यम चक्रे, दिन रात स्वर्ग की अस्वास्थ्यता को प्रकट कर दिया। तो इन इन क्रियाओं को करने के बाद स्वर्ग को घेर कर, नंदन वन को नष्ट करके, रत्नों को चुरा करके, और देवताओं की स्त्रियों का अपहरण करके, और इंद्र के साथ विरोध करके, विग्रह करके, इस प्रकार से उस बलवान रावण ने उस स्वर्ग की अस्वास्थ्यता को उत्पन्न कर दिया, अर्थात स्वर्ग में भी उत्पात मचा दिया। तो इस प्रकार से साधारण सा, सरल सा इस श्लोक का भावार्थ है, हमें याद रखना है। इसमें जो नमुचित दिशा है, नमुचित दिश जो विशेषण है इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है, नंदनम, यह नंदनम एक इंद्र का उपनका है, और इस प्रकार से अन्य तो सरल ही शब्द हैं, आप सभी को इन शब्दों को भी ध्यान रखना है, और वंशस्थ छंद है, और अनेक क्रियाओं को अलग अलग तरीके से इसमें प्रदर्शित किया है, जैसे पुरीम अवस्कंद, नंदनम लुनी ही, रत्नानी मुषाणा, अमरांगना हरा, और नमुचित दिशा विग्रहीय, इस प्रकार से इसमें समुच्चय अलंकार है और वंशस्थ छंद है। तो आइए हम अब 52वें श्लोक को देखते हैं। 52वां श्लोक है, सलीलयातानि न भर्तुरभ्रमो न चित्रमुच्चहिस्रवशं पदक्रमं, सलीलयातानि न भर्तुरभ्रमो न चित्रमुच्चहिस्रवशः पदक्रमं, अनुद्रतः संयत्येन केवलम्, अनुद्रुतः संयत्येन केवलम्, बलस्य शत्रुः प्रशशंस, बलस्य शत्रुः प्रशशंस शीघ्रताम्। अब इसमें किस प्रकार से इंद्र ने अपने प्राणों की रक्षा की उस रावण से, वो बता रहे हैं। इसमें कहते हैं कि सलील यातानि न भरतु रभ्रमो, रभ्रमो नाम का एक हाथी था, रभ्रमो अभ्रमो नाम की एक हथिनी थी। किसकी हथिनी थी? इंद्र की। तो उस अभ्रमो, उस अभ्रमो नाम की हाथी के भर्तुः, स्वामी के, अभ्रमोह भर्तुः यानी कि उस हथिनी के स्वामी यानी कि हाथी की, सलील यातानी, सलील यातानी माने सलील माने विलास युक्त, यातानी माने गमन को। आप सभी जानते हैं जब हाथी अपनी सुंदर मदमस्त होकर चाल से चलता है तो वह दृश्य बड़ा ही रमणीय होता है। तो उस दृश्य को, वो दृश्य किसका है? भर्तुः, स्वामी का। कैसा दृश्य है वो? सलील यातानी, विलास पूर्वक गमन करने का। और किसका है वो? अभ्रमो हो भर्तुः, उस हथिनी के स्वामी, उस हाथी का। हाथी आप जानते ही हैं, इंद्र का जो हाथी था वो ऐरावत नाम का हाथी था, तो उसी की बात हो रही है। और उच्चैश्रवशः पदक्रमं चित्रं न, कह रहे हैं नहीं उन्होंने उस हाथी की चाल को देखा, और न उच्चैश्रवशः पदक्रमं चित्रं, उच्चैश्रवशः नाम का जो घोड़ा था जो समुद्र मंथन से निकला था, और ऐरावत हाथी भी समुद्र मंथन से ही निकला था, तो नहीं उन्होंने उस अपने हाथी की गमन चाल को देखा, और नहीं उच्चैश्रवशः चित्रं पदक्रमं, जिस प्रकार सुंदर चाल से वह चलने वाला उच्चैश्रवः नाम का जो घोड़ा था, उस उच्चैश्रवशः उस घोड़े की चित्र यानी कि विचित्र पदक्रमं, पद के क्रम को नहीं देखा। क्योंकि जब वह युद्ध करता था, इंद्र सभी को हराता था, तो
उसके जितने भी योद्धा थे सभी को हराते थे, तो तब वो अपने हाथी की चाल और घोड़े की चाल, घोड़े के पदों के निशान को देख करके अनन्वित होता था। किंतु रावण के साथ जब उसका युद्ध हुआ तो उसको इन दोनों को देखने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि उसके तो प्राण, स्वयं के प्राण संकट में थे। जब बताते हैं, जब इंद्र को रावण ने परास्त कर दिया तो ऐरावत और उच्चैःश्रवस नाम का जो घोड़ा था, उन दोनों ने इंद्र के प्राणों की रक्षा की और शीघ्र ही उसको वहां से ले गए। इसीलिए इंद्र ने उनकी चाल को नहीं देखा। तो बताया कि अभ्रमोहो भर्तुः सलीलयातानि न और उच्चैःश्रवस चित्रम पदक्रमम न, यानी कि नहीं देखा उसने, नहीं देखा या उसकी प्रशंसा नहीं की। नीचे जो क्रियापद है वो है प्रशंसष, इस प्रकार का ये लुंग लकार का प्रयोग है, शीघ्रताम न प्रशंसष। उसने प्रशंसा किसकी की, तो ये बता रहे हैं कि अनुद्रुतः संयति एन केवलम बलस्य शत्रुः प्रशंसष शीघ्रताम। संयति यानी कि युद्ध में, संयति यानी कि युद्धे, युद्ध में, येन केवलम, एन इंद्रेण, जिस इंद्र ने केवलम एकमात्रम बलस्य शत्रुः अनुद्रतः, बलवान शत्रु के द्वारा भेजे गए, अनुद्रतः प्रेषितः, अर्थात इंद्र के द्वारा भेजे, यानी रावण के द्वारा भेजे गए उस बलस्य शत्रुः शीघ्रताम प्रशंसष। फिर उसने उनकी विलास पूर्वक उस हाथी की चाल को नहीं देखा, अतएव उसने उसकी शीघ्रता को प्रशंसष, उसकी शीघ्रता की प्रशंसा की। शीघ्रता की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि उन्होंने शीघ्रता करके उस रावण से इंद्र के प्राणों को बचाया, इसलिए उन्होंने उनकी अपने वहां पर दरबार में जाकर के उस अपने उच्चैःश्रव नाम के घोड़े की चाल की और उस हाथी की चाल की, चाल रूपी शीघ्रता की प्रशंसा की, अपितु न की उन्होंने, इंद्र ने उनके जो विलास पूर्वक चलना और उस घोड़े की सुंदर चाल को नहीं देखा। इसमें भी रावण के प्रताप को, रावण के ही महापराक्रम को ही दिखाया है कि किस प्रकार से इंद्र भी उसके आतंक से, उसके दुष्प्रभाव से प्रभावित हो गया था, जो अपने आनंदित हाथी और घोड़े के विलासों को भी नहीं देख पाया। तो इस प्रकार से इस श्लोक का भावार्थ है, वंशस्थ छंद इसमें है। अर्थालंकार तो इसमें कोई प्रकट हो नहीं रहा, क्योंकि अलंकार तो इसमें अत्यधिक कोई श्लोक उतना आलंकारिक नहीं है। इसमें शब्दालंकार हम यदि देखें तो अनुप्रास अलंकार जगह जगह दिख रहा है, जैसे भर्तुरभ्रमो, यहाँ पर भौका बार बार उच्चारण हुआ है, और फिर नीचे चित्रम उच्चैः चकार का है, फिर तृतीय पाद में नहीं है, और चतुर्थ पाद में प्रशंसष, इस प्रकार से इस शकार का प्रयोग है। तो अनुप्रास अलंकार को हम मान सकते हैं। आइए आज का अंतिम 53वां श्लोक हम पढ़ते हैं। तो 53वां श्लोक आप सभी के समक्ष उपलब्ध है। अशक्नुवन् सोढुमधीरलोचनः सहस्ररश्मेरिव यस्य दर्शनम्, अशक्नुवन् सोढुमधीरलोचनः सहस्ररश्मेरिव यस्य दर्शनम्, प्रविश्य हेमाद्रिगुहागृहान्तरम्, प्रविश्य हेमाद्रिगुहागृहान्तरम्, निनाय विभ्यद्दिवसानि कौशिकः, निनाय विभ्यद्ध दिवसानि के कौशिकः। मित्रों, आप सभी जानते हैं परीक्षा का जो समय है वो शीघ्र ही आया है, इसीलिए हमने इस प्रथम सर्ग को शीघ्रता से ही पूर्ण करना है। इसलिए मैं इस प्रकार से आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा, आप अच्छी प्रकार से पढ़ें। तो इसमें भी इंद्र ने उस रावण के भय को सहन न करते हुए कहां जाके निवास किया वो बता रहे हैं कि कहते हैं कि
कौशिक अधीर लोचन, एक कौशिक भी इंद्र के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। कौशिक कह ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौशिक शब्द विशेषण किसका पर्यायवाची है, तो इंद्रस्य, इंद्र का। और अधीर लोचन भी बताया है इस श्लोक में, तो सह कौशिक अधीर लोचन यस्य दर्शनम शोढुम अशक्नुवन, वह इंद्र जिस इंद्र को रावण ने पराजित कर दिया, वह इंद्र यस्य दर्शनम, यस्य कस्य तस्य रावणस्य दर्शनम, जिस रावण के दर्शन को शोढुम यानी कि सहन करने के लिए, सहन करने को अशक्नुवन समर्थ असमर्थ होता हुआ, अर्थात उसके तेज को, उसके महापराक्रम को जो सहन करने में असमर्थ हो गया था, वह अधीर लोचन कौशिक, वह कौशिक, वह इंद्र उसके दर्शन को न सहन करता हुआ, शोढुम शक्तुम अशक्नुवन असमर्थ। और उसका जो दर्शन था वो कैसा था, उपमा दिए बड़ी ही सुंदर, सहस्त्र रश्मेह इव, सहस्त्र रश्मेह इव यानी कि सूर्यस्येव, सूर्य के समान। सहस्त्र रश्मि किसकी है, हजारों, सहस्त्र माने हजारों, रश्मि माने किरण है, हजारों किरणें किसकी हैं, तो सूर्य की, तो सूर्यस्य रश्मेर इव अर्थात हम सूर्य की किरणों के समान, जिसके दर्शन को सहन करने में जो इंद्र असमर्थ था, उस इंद्र ने क्या किया, हेमाद्रि गुहा गृहांतरम प्रविश्य विभ्यत दिवसानि निनाय, उसने हेमाद्रि गुहा गृहांतरम, हेम अद्रि गुहा गृह अंतरम, हेम माने कहते हैं हिम को, बर्फ को, अद्रि कहते हैं पहाड़ को, गुहा कहते हैं बर्फ को, गृहा माने बर्फ का जो, नहीं, गुफा के अंदर जो गृह है, अंतरम माने उसके अंदर, अर्थात हिमालय पर्वत की गुफाओं के अंदर प्रविश्य, प्रवेश करके विभ्यत, भयभीत होते हुए, दिवसानि यानी कि दिनों को, निनाय माने व्यतीतम कृतम, उस इंद्र ने उस रावण के सूर्य के समान तेज को सहन न करते हुए, यस्य दर्शनम उसके दर्शनों को न सहन करते हुए, हिमालय की गुफाओं के अंदर डरते हुए अपने दिनों को व्यतीत किया था। तो मानो देवताओं का राजा इंद्र भी यदि उस रावण से भयभीत था उस समय में, तो वह रावण कितना बड़ा पराक्रमी होगा, इसका अनुमान हम स्वयं ही लगा सकते हैं। तो अभी तक इस 53वें श्लोक में तक हमें रावण के ही वर्णन का वर्णन हमें मिलता है। अब आगे के श्लोकों में क्या आता है आप सभी को मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो इस श्लोक में भी छंद वंशस्थ ही है, अलंकार के स्पष्ट ही हमें उपमा अलंकार दिखाई दे रहा है, क्योंकि सहस्त्र रश्मे हे इव, इव शब्द उपमावाची शब्द है, उसको प्रदर्शित किया है। तो उस रावण के दर्शनों की जो तुलना है, उपमा है, समानता है, वो सूर्य की किरणों से की गई है, तो उपमा अलंकार स्पष्ट है। तो मित्रों आज के इस कक्षा में बस इतना ही, अगले वीडियो में आप सभी से मैं मिलता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।